लगवा रही हूँ मैं जियो का। बाग बेटी सब वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर में दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। त्योहार हमारा है नहीं, लेकिन दिवाली पे सफाई होना ये तो आम बात है, क्योंकि एक मौका मिल जाता है लोगों को सफाई करने का। और मेरी मम्मी को तो वैसे भी सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो मम्मी हो गई है शुरू, वहाँ ऊपर चढ़ गई हैं देखो। हेलो दोस्तों। इतनी मम्मी आपको सफाई से इतना इतना प्रेम क्यों है ये बताओ मुझे। अच्छा तो क्या करूं, सफाई तो होनी चाहिए ना घर में। कितनी गंदगी, कितने गंदा लगता है। अपनी साफ सफाई कितनी अच्छी होती है। ये यहाँ ऊपर चढ़ चढ़ के सफाई कर रही है, और मैं इन्हें बोलती हूँ ना, मम्मी यहाँ ऊपर मत चढ़ा करो, तो लड़ाई होती है हमारी। हाँ तो तो ये तुम काम मत करो, ये मत। तुम सब तो क्या हो ना, बाग बेटी सब। ए मत कर, ओ मत कर, ओ मत कर, ओ मत कर। खुद भी नहीं करना, दूसरे को भी नहीं करने देना। बड़े आए तुम्हें बोलते हो, मैं तुम करो, खुद कर रही हो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कैसा है ये, डेली का ही है हमारे घर में, डेली लड़ाई होती है इस चीज़ के लिए। हम बोलते हैं आप सफाई करो, लेकिन ऊपर मत चढ़ो कहीं, ऐसे ऊपर से कभी गिर गया अचानक से। और ये ऐसा नहीं है, जब सीधा हम लगा नहीं मुझे बिका दोस्तों। मैं तब तब करती हूँ ये सब काम जब ये घर पे रहते। इसे सबसे आज घर पे है तो कर रही हूँ मैं। बोलो बोलो। हाँ ये सब काम मैं ना चुपके से करती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे कुछ नहीं करने देते कि घर की सफाई ना करूँ। ये बात सच है, हम लोग इन्हें मना करते हैं कि ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के आप ऐसे अकेले में सफाई मत किया करो, क्योंकि अकेले में आप सफाई करोगे कभी कभी हो जाता है, पैर फिसल गया, मिस हैपनिंग हो जाती है कुछ, तो आप ऐसे ऊपर चढ़ के मत किया करो। लेकिन मानने वालों में से कोई है नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं मानने वालों में से है, तो मम्मी तो मानने से रही, हम लोगों को ही चुप होना पड़ता है। एक दिन ये बाथरूम में ऐसी सफाई कर रही थी ऊपर चढ़ के, उस दिन बिल्कुल हमारी बहुत भयानक लड़ाई हो गई और मैं भी घर से चली गई। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आप करते रहो अपना काम, मैं आपको आज से कुछ नहीं बोलूँगी। फिर आज ये मैं बाहर कमरे में थी, तो यहाँ मैंने आके देखा तो यहाँ ऊपर चढ़ी हुई है, और वहाँ देखो कैसा सफाई कर रही है। इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो ऊपर का कवर होता है वो तक धुलवा दिए हैं, वो अब सुखाने के लिए रखे हुए हैं, वो सूख जाएंगे, उसके बाद मम्मी उन पर लगाएंगी। हमारे ऐसे सफाई होती रहती है, स्विच वगैरह ये सारी मम्मी करती रहती है। वैक्यूम क्लीनर तक निकल गया है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, ये रहा वैक्यूम क्लीनर निकल गया है, इससे सफाई की जाएगी पूरे घर की। और घर को, अरे घर की कंडीशन अगर मैं दिखाऊं आपको तो अभी देख दिखाते यहाँ ये कल एक पार्सल आया था, और रग वाला ये मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि हम लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, वापस जाएगा ये भी। ये वो दूसरा पार्सल जो कल आया था, ये मम्मी यहाँ सफाई कर रही है, और ये पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। मम्मी ने यहाँ से ये सामान निकाल दिया है, डोगा का फूड, बाकी सारी चीज़ें। आज किचन की शायद बारी है, मम्मी आज किचन की बारी है, सारे कपड़े यहाँ पे, कल बारिश थी तो यहाँ कपड़े वपड़े हैं थोड़ा, मम्मी ने वो सुखाने के लिए डाले हैं। ये कमरा ऑलवेज मम्मी का है तो ये साफ ही रहता है, बाकी बस ऐसे ही चल रहा है। आज मम्मी यहाँ शायद किचन की सफाई कर लेंगी, कल मम्मी ने दोनों कमरों की सफाई कर ली है, सफाई हो गई है। अब आगे क्या होगा, अभी तो मम्मी साफ सफाई कर रही है, आगे क्या होगा, मेरे आज काम पे भी जाना है, आज है सैटरडे, कल छुट्टी होगी। अब देखते हैं, करवा चौथ आने वाला है तो मेहंदी का बुकिंग आ रही है, कल नाइट की 12 की नाइट की एक बुकिंग है, अब देखो क्या होता है आगे आगे, जैसे जैसे बुकिंग आती रहेंगी। मैंने 11 तक की, 10 तक की बुकिंग खोली हुई है, उसके बाद भीड़ बहुत हो जाती है, तो उस वजह से हम लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं बुकिंग, क्योंकि अकेले अकेली मैं हूँ करने के लिए। अभी मैं एडजस्ट कर रही हूँ किसी को, अगर कोई मिल जाता है मुझे बुकिंग के लिए, मतलब कोई लड़की मिल जाती है मेहंदी लगाने वाली, तो मैं देखूँगी आगे कि मैं किसी को हायर करूँगी, तो मैं बुकिंग ओपन रखूँगी 12 तक, 12 के बाद फिर 12 को तो मेहंदी लगती है लास्ट, 13 को सुबह हुआ है, 13 को भी लोग आते हैं मेहंदी लगवाने के लिए सुबह। आप देखो कैसे एडजस्ट करती हूँ मैं, कितने लोग होते हैं, पहले तो लोगों पर डिपेंड करता है कितने लोग होते हैं हम लोगों के मेहंदी लगवाने के लिए, फिर हम लोग कितना लगाए, कितने लोग लगाएंगे, फिर उस पर वो देखते हैं, क्योंकि इस बार जो पिछले बार मेहंदी लगाने आई थी उस बार उसकी बहुत तबीयत ख़राब है, तो वो तो आने से रही। अब बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अपडेट करती रहूँगी। आप में से भी किसी को मेहंदी लगवानी है तो आप भी 10 तारीख तक बुकिंग दे सकते हैं, आज 8 तारीख हो गई, 8, 9, 10, 2 दिन की और बुकिंग हम लोग ओपन रखेंगे, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। नियरेस्ट
जगह आपको पता ही है, आप जितने भी मेरे ब्लॉग देखते हैं आप मेरे को जानते हैं अच्छे से। यहाँ के नियरेस्ट एरिया में जो जो लोग हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप इस सब में क्या बोलोगे, इन्हें इन्होंने सर पे अटका रखा है अगर आप देख रहे हो तो। मम्मी इधर देखना क्या कर रखा है, इस पे ये नहीं है ना कुंडा लगा रखा उसने, तो मेरा सारी कुंडा बन गई तो कुंडा है उस पे लेकिन बाहर, अच्छे बाहर अंदर। वाले पे, अंदर पे नहीं है हे भगवान, यार। तुझे नहीं पता यहाँ कितना धूल होता है। तुम लोग वैसे तुम्हें पता है ना, तुम लोग अनजान बनते हो, कहीं काम ना करना पड़े। कहाँ जाओगे इतना मांस बचा के, थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो। यही सुनना बाकी था इसीलिए आई थी मैं, अपना काम छोड़ के यहाँ। अब मैं जा रही हूँ बाहर, कर लो आप मम्मी अपना काम। हाँ नहीं मेरी प्यारी बिच्ची, इसलिए मैं जा रही हूँ काम पे। आज दिन में राउटर वाला, सॉरी वाईफाई लगवा रही हूँ मैं जियो का। जब वो लग जाएगा उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, कितना एमबीपीएस क्या है और कितने का मैं लगा रही हूँ, ये सारी बातें। बाकी आपको दिन भर में वापस आऊँगी तो दिखाती हूँ, जो इंस्टॉलेशन होगा तो वो सारी चीज़ दिखाती हूँ। मिलाऊँगी उन भैया से जो लगाएंगे हमारा वाईफाई। आज लगेगा, उन्होंने 48 आवर्स का हमें टाइम दिया है। देखिए देखते हैं अभी वो कितना टाइम लेते हैं, जो भी होगा आपको बताऊंगी। ठीक है अभी मैं जा रही हूँ काम पे, फिर मिलते हैं आपसे। आज राउटर वाले भैया आए नहीं, राउटर लगाना था उन्होंने वाईफाई का, वो आए नहीं, इंस्टॉलेशन हुआ नहीं। मैं दिन में घर आई थी, खाना वाना खाया, उसके बाद मैंने रेस्ट किया, फिर मैं अपने काम पे वापस चली गई। नहीं आजकल करने को, अब आगे जो भी होगा वो दिखाने की कोशिश करूंगी। बाकी सारी चीज़ें कल शायद आउटर वाले भी आएंगे, संडे है कल का, कल संडे है तो शायद वो आए या नहीं आए, कुछ कंफर्म नहीं है। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। वैसे मुझे मैसेज आया है 12 बजे तक वो इंस्टॉलेशन कर देंगे। अब जो भी होगा फिर मैं वो आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी, जैसे मैंने पहले बोला था मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो आए नहीं तो मैं दिखाती कैसे। तो अब संडे के दिन वो आएंगे, कल मेरे बहुत सारे प्लान्स और भी हैं। करवा चौथ आने वाला है जैसे आपको पता है, तो उसके लिए मुझे फिर कुछ काम करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। जो भी होगा कल दिखाऊंगी। कि ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।